तो वहीं सिरसा के ओढ़ा में रविवार को प्रगति रैली आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए की सौगात दी। वहीं इस रैली में आए जनसैलाब को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल गदगद नजर आए, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सिरसा के विकास के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी और हर गांव शहर का पूरा विकास किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली की। इस दौरान सीएम ने 575 करोड़ की लागत से कई बड़ी सौगात दी। इस दौरान रैली में आए अपार जनसमूह को देखकर सीएम ने कहा कि ओढ़ा में आज इतिहास रचा गया है। प्रगति रैली सिरसा जिले की रैली है, लेकिन अपार जनसमूह ने इसे प्रदेश की रैली में तब्दील कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दो अन्य स्थानों पर अन्य स्तरीय जनता ने उनका फीका कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच में सिरसा को बरसाती पानी की निकासी के लिए 34 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा शहर के दो रेलवे फाटक पर पुल बनाने की भी घोषणा की है। इस रैली में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग पहुँचे। वहीं सीएम ने सिरसा और कलावली विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों के लिए 61 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने कहा कि जिले के नहरों की मरम्मत के लिए 88 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सिरसा जिले के लिए 575 करोड़ की घोषणाएं, ग्रामीण क्षेत्र में 226 करोड़ की विकास कार्यों की घोषणा, 88 करोड़ की लागत से 77 सड़कों का निर्माण, 34 करोड़ की लागत से वाटर ड्रेनेज सिस्टम की घोषणा, स्वास्थ्य विभाग की परियोजनाओं के लिए 13.5 करोड़ की घोषणा, ममन खोड़ा में 2 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम का होगा निर्माण, 50 गांव में जिम यानी खेलों के खेलने के लिए 5 से 10 लाख की व्यवस्था, किसानों को एक महीने तक 100 रुपए टन मिलेगी ओटू झील की मिट्टी, स्कूलों की 12-13 मांगे होंगी पूरी, दो फाटक पर बनेगी आरओबी आरयूबी, शिरावली डिस्ट्रीब्यूटरी पर काम शुरू, 5 जून 2022 से टेल तक पहुंचेगा पानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की जा चुकी है। सिरसा जिले में भी जमीन तय कर ली गई है। कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ मेडिकल कॉलेज न हो। उन्होंने कहा कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो एमबीबीएस की 750 सीटें थी। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से अब ये सीटें 1650 हो गई हैं और जब प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुले जाएंगे तो ये सीटें 2900 हो जाएंगी। इससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। वहीं सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर लड़कियों के लिए एक कॉलेज की व्यवस्था भी की है। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उनकी सुरक्षा पर भी सरकार बल देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा जिले में नशे की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मनोहर सरकार सख्त है। वहीं सीएम ने कहा कि 2022 में अब तक सिरसा में 24 और फतेहाबाद में 16 मौतें नशे से हो चुकी हैं। नशे पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए सिरसा जिले में ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से भी जागरूकता फैलाई जाएगी। गांव में कमेटियां और टीम बनाकर इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। वहीं नशा बेचने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।